भारत माता की जय। भारत माता की जय। मिस्टर मेटे प्रेडिक्शन, डेनमार्क के हमारे मित्रगण और वतन की मिट्टी की खुशबू को मन में बसाए मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का देश आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय हमारे लिए दिया और मुझे मालूम है कि उन्हें अगले काम के लिए कार्यक्रम के लिए बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप संकोच मत कीजिए, अगर मेरा थोड़ा लंबा चल जाए और आपको निकलना है तो बिना संकोच जरूर निकल सकते हैं, लेकिन आपका भाषण चाहिए हमको। आप लोगों ने और मेरा यहाँ जो भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरिक्सन का यहां होना इस बात का कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी, अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरिक्सन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला। भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फेडरिक्सन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उसे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा कल। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। भले ही अलग अलग हो लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और
को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी है वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही है। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वो अपनी कर्मभूमि के लिए उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। एक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई बांग्ला, कोई मराठी, अने केटला केम जो गुजराती। कोई तमिल, वणक्कम से जुड़ा, तो कोई मलयाली, उड़िया, जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, जय असमिया। भाषा कोई भी हो लेकिन